सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा निर्देश है, अब आपको कई सारी प्रतिबंध को झेलना पड़ सकता है। नए साल से कई सारे प्रतिबंध लगने वाले हैं। वहीं पर मदर डेयरी का जो दूध है एक बार फिर से महंगा हुआ है। इसके साथ ही विंटर वेकेशन को लेकर यूपी में किन किन जिलों में विद्यालय बंद हुए हैं जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही 13वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इन लोगों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिल सकता है, जरा आप इस अपडेट को जान लीजिएगा। वहीं मदरसों को लेकर नई जानकारी है। साथ ही फ्री राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट है, क्या लाभ मिलने वाला है ये जानेंगे। इसके साथ ही पेंशन योजना को लेकर भी सरकार का कई बड़ा निर्देश सामने आया है, क्योंकि सरकार फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दे रही है, जिसे आपको जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये सभी महत्वपूर्ण खबरें तुरंत। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्री राशन की। तो आपको 22 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक फ्री राशन मिल रहा होगा केंद्र सरकार का। हालांकि आपको बता दें, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि जो राशन आपको ये दिसंबर महीने में मिल रहा है 31 दिसंबर तक, वो आपके अक्टूबर के राशन है, यानी अक्टूबर के दूसरे चरण का राशन आपको अभी दिसंबर में दिया जा रहा है। बहुत से कोटेदार ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें नवंबर का राशन दिया जा रहा है, इस वजह से आप इस घपलेबाजी में ना फंसिएगा। आपको अक्टूबर का राशन दिया जा रहा है, जिसे आपको 31 दिसंबर तक मिलेगा, जिसमें केवल चावल अभी फ्री दिया जा रहा है, यानी आपका ना इसमें पैसा लगने वाला है और ना ही आपको ये नवंबर का राशन दे रहे हैं, ये अक्टूबर के दूसरे चरण का राशन है। वहीं पर नए साल पे आपको कई सारे तोहफे मिल सकते हैं। राशन कार्ड धारकों को अब जनवरी माह से गेहूं और चावल दोनों फ्री मिलेगा, लेकिन आपको बता दें ये केंद्र सरकार वाले ही राशन में मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि राशन योजना को सरकार ने बढ़ा दिया है एक साल तक, यानी आने वाले नए साल से आपको चावल के साथ गेहूं भी अब फ्री मिलेगा। वही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की बात कर ले तो योगी सरकार 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में देगी टैबलेट स्मार्टफोन। नए सिरे से शुरू हो गई है टेंडर प्रक्रिया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगभग 2 करोड़ युवाओं को एक बार फिर से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देने वाली है। आपको बता दें स्मार्टफोन में लावा का फोन होगा, तो टैबलेट जो है वो सैमसंग का होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके लिए टेंडर जारी कर दी है। आने वाले नए साल पर आपको इसका तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए आपको पहले से आवेदन करना होगा विद्यालय की तरफ से। आपको बता दें जो कोई भी 12वीं पास कर लिया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया है, सरकार उसको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देगी। विद्यार्थियों को पिछली बार का भी वितरण बाकी है, इसलिए सरकार इसका भी वितरण करना चाहेगी, क्योंकि आपको बता दें विद्यालय के माध्यम से भी सरकार आपूर्ति कर रही है। लगभग 14 करोड़ का जुर्माना लगा था, क्योंकि आपूर्ति 3 कंपनियों ने सही समय पे नहीं कर पाई थी। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन इसी नए साल में जनवरी से फरवरी माह तक मिलेगा। अच्छा, पेंशन योजना की बात कर ले तो ओल्ड एज पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ, आप सभी लोगों को बढ़कर पेंशन मिलेगी 1500 रुपए। आपको बता दें इसी जनवरी महीने में आपको पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कई जिलों में दिव्यांगजनों को तो आवास योजना का लाभ देना भी शुरू कर दिया गया है। वृद्धा पेंशन को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन की योजना की तैयारी कर रही है। आपको बता दें लगभग 15 जनवरी से पहले तक पेंशन योजना का पैसा आ सकता है। वृद्धा, विकलांग हो या फिर विधवा पेंशन योजना हो, ये बढ़कर मिलेगा। हर महीने 500 रुपए की दर से कुल 1500 रुपए बुजुर्गों के ट्रांसफर किए जा रहे थे, लेकिन अब 500 रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी हर महीने का 1000 रुपए, यानी 3 महीने का पैसा आएगा, तो लगभग 3000 रुपए आपको मिलेगा। वहीं पर गरीबों को मिलेगा आवास। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही जान लेते हैं यूपी स्कूल क्लोज के बारे में, क्योंकि आपको बता दें हाड़ कपाने वाली ठंड में कई जिलों में विद्यालय बंद हो गया है। चाहे बरेली हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, एटा हो, इसके साथ ही गोरखपुर में भी विद्यालय बंद है। कई जिलों में 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बंद है। जी हाँ, मेरठ में 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बंद किया गया है, तो वही अन्य जिलों में 1 से लेकर 8वीं तक विद्यालय बंद है। कुछ जिलों में 28 दिसंबर तक विद्यालय बंद है, तो कई जगहों पर 1 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है। गाजियाबाद में भी 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बंद है। आजमगढ़ में भी 28 दिसंबर तक विद्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिन जिलों में विद्यालय बंद नहीं है, वहां पे आज बैठक होगी, वहां पर सरकार विद्यालय बंद करने का निर्देश जारी कर सकती है। यूपी के 2 और जिलों में विद्यालय बंद हो गया है, 9 से 12 तक के लिए समय बदल दिया गया है फिलहाल। वहीं पर 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की सभी कक्षाओं के लिए छुट्टी भी दे दी गई है, यानी गुरु गोविंद सिंह जयंती है 29 दिसंबर को, तो इसके लिए भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं यूपी के अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। खुद जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम, अस्पताल में युवक को अपनी सदरी उतार कर दी। जिया यूपी के अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया है। इस पर नजर रखते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक खुद अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों व अफसरों से जानकारी ली। वहीं पर एक पेशेंट को उन्होंने अपनी सदरी उतार कर भी पहनाई। जी हां, यूपी में अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं पर बीते 24 घंटे में पूरे भारत में एक बार फिर से केस बढ़कर सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही ठंड से ठिठुरा है यूपी, घने कोहरे से पूरे सप्ताह नहीं मिलेगी राहत। यूपी में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, कोहरा और घना हो जाएगा। जी हां, ठंड से पूरा यूपी ठिठुर रहा है, जबकि कई जिलों में सुबह शाम घना कोहरा होने से लोगों को मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। लगभग 5 जनवरी तक इसी प्रकार से ठंड रहेगी, तापमान 5 से 7 डिग्री तक हो सकता है। मुरादाबाद में 7 डिग्री तापमान अभी कल ही देखा गया है। दोस्तों आगरा न्यूज के बारे में बता दें तो कोरोना का मरीज मिलने के बाद होटल संचालकों को नोटिस दिया गया है। विदेशी पर्यटकों की मांगी गई है रिपोर्ट। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 650 गेस्ट हाउस होटल संचालकों को नोटिस दिया है। इनमें होटलों में ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों की भी जानकारी मांगी गई है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में नियम लागू होगा। आगरा में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग होटल संचालकों को नोटिस भेजा है। तो कुल मिलाकर सरकार अलर्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट की गई है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी अपडेट जान लीजिए, क्योंकि 13वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा कंफर्म है, लेकिन किस तारीख को ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे लोगों को अब सरकार नहीं देगी एक भी पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि 13वीं किस्त का लेटेस्ट जानकारी आपके सामने हम लेकर आए हैं। केवाईसी और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी की अंतिम डेट आपको दी गई है। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया या फिर आपका अन्य कोई कार्य बाकी है तो इसे आप तुरंत कर लें। 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आपका भी नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है और 13वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं, 12वीं किस्त का पैसा आपके पास नहीं पहुंचा, तो ये दोनों किस्तें आपकी एक साथ आ सकती हैं, क्योंकि डीबीटी ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी पीएम मोदी सरकार। पिछली बार 8,42,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा दिया गया था और इस बार भी संख्या और कम होने की संभावना है। इसका कारण है कि ई केवाईसी नहीं हो रही है। 13वीं किस्त 15 से 20 जनवरी के बीच आने की संभावना अब बताई जा रही है। वहीं पर दोस्तों मदर डेयरी का मिल्क प्राइस एक बार फिर से बढ़ गया है। मदर डेयरी ने एनसीआर में लोगों को दिया है बड़ा झटका। दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी एक बार फिर से हो गई है। मदर डेयरी ने आम लोगों को एक बार फिर से जोर का झटका दिया है। दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम फिर बढ़ गए हैं। मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में बड़ा झटका दिया है। फुल क्रीम टोंड और डबल टोंड दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। ये दरें मंगलवार से ही लागू हो गई है। गाय के दूध और टोकन मिल्क की कीमतों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया। वहीं पर दोस्तों कोरोना से निपटने की तैयारी एक बार फिर से तेज हो गई है। 27 दिसंबर से देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी चालू हो चुका है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 मामले सामने आए हैं। वहीं पर 2 लोगों की मौत हुई है। अभी भारत में एक्टिव मरीज 3,432 है। इस बीच पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी अलर्ट है और सरकार को पता है कि एक बार फिर से ये कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से कार्य जारी किया जा रहा है, जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, आने वाले समय में कोरोना की भयानक स्थिति उत्तर प्रदेश हो या भारत हो देखी जा सकती है। मनसुख मांडिया की बैठक लगातार जारी है। कोरोना की स्थिति और तैयारियों के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वर्चुअल बैठक की गई है। तो एक अपडेट है, यानी आने वाले समय में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार आपको देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों मदरसों में ईद व रमजान के अवकाश में हुई है कटौती। मदरसा बोर्ड के सदस्य ने जताई है नाराजगी। मदरसा बोर्ड का साल 2023 की अवकाश तालिका में सालाना अवकाश 43 की जगह अब इस बार 36 कर दिया गया है, जबकि शीतकालीन अवकाश 11 के बजाय 10 दिन का किया गया है। मदरसों में सालाना अवकाश रमजान और ईद उल फितर के लिए दी जाती है। मदरसा शिक्षा परिषद की 2023 की अवकाश तालिका में सालाना अवकाश में 7 दिनों की कटौती की गई है। अच्छा, इसके साथ ही मरीजों को अब मोबाइल पर मिलेगी सेहत की कुंडली। 22 मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुई है HMIS सेवा। जी हाँ, यूपी के 22 मेडिकल कॉलेजों में HMIS सेवा प्रारंभ हो गई है। इस योजना के तहत अस्पताल में मरीजों का डाटा तैयार होगा। इसमें मरीजों को ऑनलाइन पंजीयन, भुगतान, प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट, फार्मेसी पर्ची, ओपीडी कार्ड, एडमिशन टिकट, डिस्चार्ज समरी सब कुछ मोबाइल पर मिल सकेगा। इसके साथ ही कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच चौथे टीके की दरकार शुरू हो गई है। IMA ने बताई डबल बूस्टर की जरूरत। जी हां दोस्तों, देशवासियों को कोरोना टीके की 2 खुराक तो लगी गई है, लेकिन तीसरी अतिरिक्त बूस्टर डोज भी लोगों को लगाई जा रही है। वहीं पर चीन व अन्य देशों में हालात बेकाबू होता देख चौथी खुराक यानी दूसरी बूस्टर खुराक पर विचार किया जा रहा है। वहीं पर सरकार का बड़ा फैसला है, अगर आप भी यूपी के हैं तो जरा जान लीजिए। वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़े फैसले आए हैं। दोस्तों आपको बता दें सरकार की तरफ से 2 फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। वहीं पर सीएम की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें 6,000 रुपए में 12 गैस सिलेंडर आपको मिलेंगे। लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को अब सिलेंडर सस्ती कीमत पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा बीपीएल और गरीब लोगों को मिल सकेगा।
वही बता दे आपको, बादलों के छटते ही बढ़ गई है गलन, 4 डिग्री लुढ़क गया है रात का पारा, मौसम विभाग की चेतावनी है। दरअसल दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम पारा 4 डिग्री लुढ़क कर लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम विभाग ने रात के साथ अभी दिन में भी कड़ाके की ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में कई सारे विद्यालयों में नया नियम भी लागू हुआ है, जिसमें देर से विद्यालय चल रहे हैं, यानी सुबह 10 बजे से विद्यालय चालू हो रहा है और 3 बजे तक चल रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।